तो बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्षोल्लास से आपको इस हाई मेरिट के बीच इन चमकते हुए सितारों से परिचय कराने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं। इनमें से हर एक पर्सनालिटी जैसे अपने आप में एक कहानी हो। सभी की वो बातें सिलेक्शन से पहले पढ़ते समय यूट्यूब पर जब मैं इनको पढ़ा रहा था, तो इनसे हुई मुलाकातें, इनसे हुई बातें और इनके द्वारा की गई बातें, वो सब एक एक करके जैसे अभी कल ही की बात हो ऐसे याद आती हैं, जैसे बिल्कुल ताजी बातें हो। सब इन सभी से मुझे ऑनलाइन मेरी मुलाकात हुई और एक बहुत खास मैं बात बताऊं आपको, हमारी जो मैम है, ये राहिल मैम, जिनका 155 रैंक आई है TGT इंग्लिश में, इनको मैं कल जब इनसे मेरी बात हुई तब मैं जान पाया कि ये एक लड़की है और ये हमेशा राहिल सिंह की आईडी से यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आती थी और इनसे मैसेज के द्वारा और ऑफलाइन बस ऐसे ही बात हुई, हमेशा मैसेजेस के द्वारा बात हुई या चैट के द्वारा बात हुई। तो बीच में ये क्या हुआ, शुरुआत में 2 महीने तो पढ़ाई ठीक ठाक चली, इनसे मुलाकात को लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो 8 महीने पहले ये चैनल पे आई और फिर 1 महीने के लिए बीच में गायब हो गई। अच्छा, मेरी आदत यह है कि जब बच्चा कोई कंटिन्यू आता है और फिर वो गायब हो जाता है तो उस समय तो नहीं ध्यान आता, कि 2 दिन तो ध्यान रहता है राहिल नहीं है, राहिल नहीं है। फिर जब 1 महीने बाद ये अपियर हुई तो ये जैसे रोजमर्रा की हमारी रूटीन में शामिल हो गई थी। तो मैंने कहा, थी तो अब कह रहा हूं, मैं पहले था ही कहता था, मैंने कहा नालायक तुम 1 महीने से गायब हो, तुम थे कहाँ? इतना जोर से मैंने इसको डांटा। तो इसने कहा, कुछ बताया कि सॉरी सर कुछ प्रॉब्लम थी, और कल मुझे बताया कि सर वो आपकी उस दिन की डांट मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने सोचा कि ये सारे झंझावट से निकलकर सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करता हूँ। मुझे इस पर बहुत भरोसा था क्योंकि सारे आंसर्स देती थी, सारी बातें बहुत अच्छे से समझती थी और बता पूछती थी क्वेश्चंस। तो अभी तो मैं थी कह रहा हूँ, उससे पहले मैं था कहता था, नालायक वालायक कहके इसको डांटा खूब। तो ये कंटिन्यू हो गई, तब से लगातार कंटिन्यू रही। फिर थोड़ा सा बीच में इरेगुलर हुई, लेकिन हाँ मैं जानता था एक अच्छी बच्ची है, अच्छी अच्छा बच्चा है तो ये गड़बड़ नहीं करेगा। और फिर ये लगातार लगातार, फिर मैंने रिजल्ट में जब नाम देखना रोल नंबर वाइज शुरू किया तो राहिल का नाम वहां देखा मैंने। फिर मैंने इसको कॉल किया तो कहा, सर मैं आज कॉल करना चाह रही थी और बस मैं करने ही वाली थी कि आपने कॉल कर दिया। तो ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई। राहिल सिंह कानपुर से हैं और इनका रोल नंबर मुझे याद नहीं है, बस 155 रैंक आई है इनकी और मुझे बड़ी खुशी है कि ये श्रेय मुझे देना चाहती हैं। लेकिन मैं इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी मेहनत और इनकी कंटिन्यूअस तैयारी को ही श्रेय देना चाहता हूँ। स्वाति, स्वाति की बात करें तो स्वाति ने भी बहुत मेहनत की और पिछले 4 महीने से, यानी एग्जाम जब TGT का हुआ उसके पिछले 4 महीने से एक भी क्लासेस कभी स्वाति ने मिस की हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा मुझे एक भी क्लास नहीं दिखाई पड़ती जिसमें स्वाति ने क्लास मिस की हो, या स्वाति का कोई सर ये मॉक टेस्ट नहीं आया, सर इस मॉक टेस्ट में ये नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है। मतलब इतनी बारीकी से हर एक नोट्स को पढ़ना मुझे तो बड़ा कभी कभी बहुत, अच्छा ये लड़की ये अभी देखो कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगी, ठीक है वो नुक्स ही तो मेरे काम आया और वो नुक्स सभी के काम आया एक्चुअली। और फिर स्वाति का नाम दिमाग में आने लगा कि स्वाति ठाकुर एक बच्ची है, स्वाति ठाकुर ध्यान से कोई मैटर डालो क्योंकि स्वाति का भी मैसेज आ जाएगा सर ये चीज गलत हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बच्चों की एक एक बातें सब याद आती हैं। और तो स्वाति का भी सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई स्वाति और राहिल। ज्योति मैम, ज्योति कुशवाहा का जब मैसेज आया परसों मेरे पास कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी 92वीं रैंक है बालिका वर्ग में, तो मैंने कहा मैम आपकी ये वो तपस्या सफल हुई है जो बच्चों के बीच, हस्बैंड के बीच, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने जो ये नंबर हासिल किए हैं, ये जो रैंक हासिल किए हैं उसको मैं सैल्यूट करता हूं। मैं हर उस महिला को समर्पित करता हूं ज्योति की यह सिलेक्शन, जो अपने आप को तैयार करना चाहती है परिवार के बीच में, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उठाते हुए। बड़े बड़े मैं देखता हूं बहुत सारे लोग नहीं हासिल कर पाते ये उपलब्धि। खास बात क्या है, हमारे रिजल्ट की खास बात यह है, बहुत खास बात है कि पहले 3 स्थान पर हमारी लड़कियां हैं, ज्योति 92 रैंक, स्वाति 159 और राहिल 155 रैंक। ये पहली 3 लड़कियां, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सौरभ जी बहुत लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहे और पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे एक मित्र
उन्नाव के हैं, उन्होंने इनको मुझे सजेस्ट किया था कि बिस्वानी सर से मुलाकात कर लो, बात कर लो। और ये बंदा आया चैनल पे और मेरी दो क्लासेस देखी और बस मेरा फैन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये खुद एक टीचर है, सौरभ जी कानपुर में उन्नाव में खुद एक टीचर है, एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चैनल पे हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता कि सौरभ सही जवाब देंगे। कई बार ऐसा होता था कि मैं इंतजार करता था कि सौरभ उत्तर नहीं आया, तुम्हारा सौरभ का उत्तर कहा, सौरभ वाजपेयी का उत्तर नहीं आया। तो इस तरह से ये बंदा ऐसा बंदा है जो पिछले एग्जाम में कुछ नंबर से रह गया था और इस बार इसने बहुत बेहतरीन स्कोर किया, 237 रैंक बालक वर्ग में इसकी आई है। जनार्दन भैया की बात करें तो ये हमारे मित्र भी अब बन चुके हैं। इनसे इनके बच्चे ने, ये कहानी बहुत लाजवाब है, इनके बच्चों ने इनको एक वीडियो सजेस्ट किया, बिस्वानी सर कोई है सीतापुर के, बिस्वानी क्लासेस के, पापा ये वीडियो जरा देखिए, शायद ये आपको समझा पाए, क्योंकि ये इंग्लिश के टीचर थे और सुमित्रा इंटर कॉलेज सीतापुर में पिछले कई वर्षों से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये इनके ऑफिस का ही फोटो है, तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एक अनुभवी और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। तो ये किसी का वीडियो देखते होते नहीं थे, मतलब इनको कुछ नहीं समझ में आता था, यूट्यूब पर पसंद नहीं आता था और ऑफलाइन की क्लासेस की व्यवस्था नहीं थी। तो इनके बच्चे ने कहा, पापा ये सर का वीडियो देखिए, शायद आपको पसंद आएगा। तो इन्होंने देखा और फिर ये लगातार जेडी शुक्ला के नाम से कमेंट्स आने लगे मेरे चैनल पर। 5-6 महीने पहले की बात है, यही फरवरी या अप्रैल की बात है, तो फिर कमेंट्स आने लगे। तो लगातार हम इंतजार करते थे कि जेडी सर कोई है, जेडी शुक्ला करके कमेंट आता था। फिर एक दिन मैंने कहा कि बच्चों कल क्लास बंद रहेगी क्योंकि मैं डीआईएस ऑफिस सीतापुर जा रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटल कार्यवाही करवानी है, मतलब कुछ हो रहा था सर, सत्यापन वगैरह का कुछ झंझट था तो मुझे सीतापुर जाना है। तो कहा, सर मैं सीतापुर में ही रहता हूँ और सर प्लीज एक मुलाकात करके जरूर जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मुलाकात बिल्कुल करूंगा। तो 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकवा के वहीं बात की। ये बेचारे घर से अपने बाइक लेके मुझसे स्कूटी से मिलने आए, मुझे एक एक सीन वो याद आ रहा है, मैंने क्या पहना था, इन्होंने क्या पहना था उस दिन, मुझे ये तक याद है। और फिर छोटी सी 5 मिनट की मुलाकात हुई। फिर एक हफ्ते बाद मुझे सीतापुर अपने प्रिंसिपल साहब जो हमारे हैं उनके साथ जाना था, तो इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे जाना पड़ा इनके घर कि सर अगर आप सीतापुर आए और मेरे घर नहीं आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पूरा घर मेरा फैन है आपका और हम सभी बैठकर आपका वीडियो देखते हैं, सभी फैन है आपके। तो मुझे लगा कि अब निराश करना ठीक नहीं है, तो जेडी भैया कि मैं घर गया प्रिंसिपल साहब के साथ, बहुत अच्छा शानदार घर, साफ सफाई पूर्ण बना रखा है इन्होंने और इनके बच्चे बहुत शानदार हैं, और मैं पूरे परिवार से मिला और बातें की हम लोगों ने और फिर विदा विदाई हो गई। अशोक भैया हमारे जौनपुर के हैं, अशोक कुमार यादव, ये बहुत शानदार स्टूडेंट है और कंसिस्टेंट तैयारी करने में इनका कोई जवाब नहीं। हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता था कि ग्रामर की क्लास में तो अशोक को मैं पाऊंगा ही, भले ही लिटरेचर की एक आध क्लास छूट जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। अभी भी अगर ग्रामर की क्लास चल रही है और अशोक उसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं सल्यूट करता हूं आपकी इस कंसिस्टेंसी को, और आपने जो प्राइवेट इंटर कॉलेजेस में इतना लंबा समय गुजारा है अशोक भैया, आपको उसका फल मिला है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। भोलानाथ जी वो शख्स हैं जो चुपचाप मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। ये मेरे होम जनपद से हैं, मेरी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, जहां मैं जिस इंटर कॉलेज साई इंटर कॉलेज में टीचिंग करता था, मेरे मित्र भी रहे हैं और वहां पर मेरे साथ ये टीचिंग करते थे और लगातार मेरे सिलेक्शन के बाद ये और इंस्पायर हुए और लगातार मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत। और फिर इन्होंने, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया, अकेडमी से हट गया, मैंने अपना चैनल शुरू किया, तो मेरे साथ जुड़ गए और पूरी तरह से हम दोनों ने मिलकर के एक दूसरे को तैयार किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि भोलानाथ जी को मैंने तैयार किया है, मैं ये कहूंगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को तैयार किया है और फिर अपने पाले में उनको ले आया हूं। अखिलेश जी हमारे यहाँ आरएसवाई इंटर कॉलेज में मुलाकात हुई थी हमारी बहुत पहले, ऑनलाइन ही, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो भैया का कुछ नंबर से रह गया था, अखिलेश भैया का, और फिर इस बार उन्होंने बिल्कुल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाते हुए अपने आप को जॉब दिलाया। मिथुन की बात करें तो मिथुन बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ करते थे, कभी कभी 2-4 दिन क्लास नहीं आए, और फिर जब एग्जाम आया उसके 3 महीने पहले ये बंदा एकदम कंसिस्टेंट हो गया और मुझे लगने लगा ये तो हमारा रिजल्ट है, तो मैं भी ध्यान देना शुरू किया मिथुन। हालांकि इन्होंने अपने आप को बहुत सारे कामों से एंगेज करके रखा है, बहुत सारे इनके वर्क्स चलते हैं, लेकिन उनके बावजूद इनकी रैंक
1050 आई और इनको जॉब मिली, तो मेरी तरफ से बिस्वानी क्लासेस की तरफ से आप सभी पर्सनालिटीज को, सभी व्यक्तित्वों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की कहानी मुझे अपने चैनल के बच्चों को इसलिए सुनानी थी क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग है, और आप जैसे ही कुछ और तैयार हो रहे हैं मुझे एक लंबी श्रृंखला बनानी है। अशोक भैया, ज्योति मैम, स्वाति मैम, राहिल मैम और सौरभ भैया, जेडी शुक्ला जी, भोलानाथ जी, अखिलेश जी और मिथुन, आप सभी प्रेरणा स्रोत बनेंगे हमारे उन बच्चों का जो अभी एडमिशन ले चुके हैं और अभी आगे और एडमिशंस ले रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरह अपना फोटो यहाँ लगवाना है आने वाले अगले एलटी ग्रेड और टीजीटी की परीक्षा में, तो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है, 70 जो इन्होंने डायल किया था, 7023030918। और अगर आपको किसी प्रकार की शंका सुबह है तो आप इनसे बात करेंगे। मैं इनके वीडियोस के लिए प्रयास कर रहा हूं कि कुछ इनकी क्लिप्स मिल जाएं ताकि आप लोगों को इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और मेरा क्या योगदान इनके सिलेक्शन में रहा, ये सारी बातें आपसे ये करें और आपको बताएं। ये मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आप तक पहुंचाऊं। मैं किसी काम की जल्दबाजी नहीं करता, मैं सिस्टमेटिक वे में आराम से काम करता हूं। मैं चाहता तो कल ही ये मैं जल्दी जल्दी रिजल्ट आ गया मेरा, मैंने इंतजार किया और उस इंतजार के फलस्वरूप मुझे तो लग रहा था कि सिलेक्शन है, क्या लग रहा इतना हाई मेरिट गई है क्या किसी सिलेक्शन होगा भी, तो मैंने जब लिस्ट मैच की अपने मॉक टेस्ट देने वाले बच्चों की, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे निकले जो शाइनिंग स्टार कहलाए। शाइनिंग स्टार्स को बहुत बहुत बधाई। शाइनिंग की स्पेलिंग गलत है क्या ऐसे चाहिए जी? शाइनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, चश्मे की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं। हाँ, आपको मैं बता दूं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी कम से कम 3 से 4 रोज पीडीएफ हर क्लास के पहले आपको दे दिया जाएगा। मॉक टेस्ट 2 महीने पहले, अभी तो मैंने 1 महीने पहले शुरू किया था टीजीटी में, लेकिन अभी मॉक टेस्ट आपको 2 महीने पहले मिलेंगे और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट की व्यवस्था मैंने की है। अभी अपना ऐप बिस्वानी क्लासेस का रिन्यू होकर के आ रहा है और इसमें मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि अनलिमिटेड प्रैक्टिस तक आप कर सके, यानी 2 घंटे। देखिए, स्ट्रेटेजिकली जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, आपको आप सोचे इसी तरह से किसी बिस्वानी क्लासेस या किसी ऐसे यूट्यूब चैनल को जोड़ करके से जुड़ करके आप अपने आप को तैयार करके नौकरी, ये बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है और उसी को मिलती है जो पहले प्लान करता है। प्लान करना है आपको बेटा, प्लान मैं करूंगा ना, प्लान करना है, डिटेल स्टडी करनी है और फिर डिटेल स्टडी में अपने आप को जज करने के लिए प्रैक्टिस करने है। और ये सभी चीजें कंसिस्टेंट चलनी चाहिए, कहीं भी कोई व्यवधान, रुकावट, शादी, मुंडन, मरचटना, जन्मदिन, बर्थडे पार्टी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा और तभी आप अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे, साबित कर पाएंगे। फिर आप सारा दिन बैठ के मोबाइल चलाइए, कौन आपको रोक रहा है, आराम से अपना लेक्चर पढ़ाइए, 4 लेक्चर 5 लेक्चर ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा 40-40 मिनट के स्कूल में, और इसके बाद आराम से आप चलाइए व्हाट्सएप, फेसबुक, अभी सब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और आ जाइए इनके साथ। मिलता हूँ शाम की क्लास में, मैं कानपुर जा रहा हूँ आप जानते हैं, मिलता हूँ शाम की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।